अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल जायका इंडिया। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर डिश गोला कबाब की रेसिपी। इसे हम बहुत ही इजी मेथड के साथ बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गोला कबाब बनाना। गोला कबाब बनाने के लिए हमने 500 ग्राम बारीक कुटा हुआ कीमा लिया है, इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये कुछ मसाले हैं, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून है ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और ये 1 टीस्पून है जीरा पाउडर और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च। 2 टेबलस्पून हमने बेसन लिया है और 2 टेबलस्पून ही है ये कॉर्नफ्लोर, और 2 टेबलस्पून है ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 टीस्पून है ये ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टेबलस्पून है छिलके के साथ पिसा हुआ कच्चे पपीते का पेस्ट। ये मटन को टेंडराइज करने का काम करता है यानी गलाने का काम करता है। और ये एक मीडियम साइज की फ्राई की हुई प्याज है, इसे हमने हाथ से क्रश कर लिया था। और ये 1 टेबलस्पून हमने गाढ़ा दही लिया है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। मटन कीमे को हम एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और अब ये सभी मसाले इसमें ऐड कर लेंगे। और ये कॉर्नफ्लोर और बेसन जो है वो हमारे कबाबों में बाइंडिंग का काम करेंगे। अब इन सब मसालों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो आप उसमें डालकर थोड़ी देर घुमा लें, और नहीं है तो पहले हाथ से मिक्स करें और उसके बाद मिक्सी में घुमा लें। हमारे पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो हमने मिक्सी में इसे थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में घुमा लिया है। अब ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है मिक्सी में हल्का सा घुमाने के बाद। अब हम इसमें स्मोकी फ्लेवर देंगे, उसके लिए एल्युमिनियम फॉयल की हमने छोटी सी कटोरी बना ली है, इसे मिक्सचर के बीच में रख देंगे और इसके ऊपर एक दहकता हुआ कोयला यानी चारकोल इस पर रख देंगे, और उसके ऊपर 1 स्पून से हम देसी घी या बटर डाल देंगे, और धुआं निकलते ही इसे कवर कर देंगे। 10 मिनट तक इसी तरह से ढका रहने देंगे ताकि धुएं का जो स्मोकी फ्लेवर है वो इसमें खूब अच्छी तरह से आ जाए। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। धुआं सब खत्म हो गया है, अब हम इसे हाथ से हटा देंगे। और ये 1 टेबलस्पून नींबू का रस है, इसे हम मसाले के साथ डालना भूल गए थे, इसे डालकर एक बार हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस डालने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम कबाब बनाना शुरू करेंगे। कबाब बनाने के लिए हाथ पे हल्का सा तेल लगाएंगे, और जितने मोटे कबाब आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ही मिक्सचर हाथ में लेकर प्लेन कर लेंगे। जब ये अच्छे से प्लेन हो जाए तब किसी सीख की मदद से हम इस तरह से गोल शेप दे देंगे। ये देखिए कबाब बनकर रेडी हो गया है, इसी तरह से हम दूसरा कबाब भी तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमारे सभी गोला कबाब बनकर रेडी हो गए हैं, अब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तो एक पैन को हमने पहले ही गर्म करके रख लिया था, यानी इस पैन को हमने प्रीहीट कर लिया था। अब इस पर थोड़ा सा ऑयल डालकर सब तरफ फैला लेंगे और एक एक करके इस पे कबाब डालते जाएंगे फ्राई होने के लिए।
अब इन कबाबों की साइड चेंज करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। अब कम से कम 2 मिनट लगेंगे एक तरफ से सीखने में, और दूसरी साइड से भी 2 से 3 मिनट लग जाएंगे फ्राई होने में। अगर तेल कम लगे तो आप इसको थोड़ा सा तेल और इसके ऊपर से डाल सकते हैं कबाबों को सेकने के लिए, और कबाब को सभी साइड से अच्छी तरह से सेक लेंगे साइड चेंज कर करके। कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं कबाब को सेकने में अच्छी तरह से। अब इन सभी कबाबों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब ये बाकी के कबाब भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए सभी कबाब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इन सबको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए व्यूवर्स, हमारे गोला कबाब की रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप इसे चटनी से, पराठे से या किसी भी तरह से खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। उम्मीद है आपको गोला कबाब की ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने पर हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।